दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। और आज के इस क्लास में हम देखेंगे भूगोल में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ये सारा चैप्टर्स जो है ना इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आज यहाँ पे रणनीति तैयार कर लेंगे कि आपको आगे ये पूरा साल जो है आपका ज्योग्राफी में किस आधार पे कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, ये सारा चीज आपको जानना होगा। तो ये ज्योग्राफी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में तो मार्क्स आएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आगे की जानकारी भी मिलेगी। मतलब आप अगर कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो आपको उसमें साथ देगी ही ये सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपको मार्क्स के साथ में नॉलेज में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट से आपको देश दुनिया के बारे में जानने को मिलेगा कि कौन सा उद्योग में कौन सा देश आगे है, कौन सा खेती में, कौन सा कृषि में कौन सा देश आगे है, कौन सा देश पीछे है, जनसंख्या के बारे में जानने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रदूषण के बारे में जानने को मिलेगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ना आसान तो है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज है जिसको आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा, क्योंकि सारा चीज रटना पॉसिबल नहीं है। तो आइए आज यहाँ पे रणनीति तैयार कर लेते हैं कि आज कैसे आपको पूरा साल ज्योग्राफी का तैयारी करना चाहिए और आप अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम लोग जो है इस पूरे क्लास में, आज के इस पूरे क्लास में क्या चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे कि आपका कितने चैप्टर्स है ज्योग्राफी में, उसका नाम देखेंगे और साथ ही साथ कौन से चैप्टर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स वेटेज के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए कौन सा बुक जो है पढ़ना चाहिए, चाहे आप जो है बिहार बोर्ड के हैं, बीएससीबी बोर्ड के हैं, ठीक है, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, या फिर आप यूपी बोर्ड के हैं, या फिर आप एमपी बोर्ड के हैं, या फिर आप जैक बोर्ड के हैं, तो इन सारे बोर्ड के बारे में कौन सा आपको बुक पढ़ना चाहिए इसके बारे में चर्चा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आज के अगर ये क्लास को आप देख लेते हैं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, जैसे हम बताएंगे वैसे अगर आप पढ़ते हैं तो। देखिए सबसे पहले उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्या चीज, वेयर टू ज्वाइन क्लासेस, आपको ज्योग्राफी कैसे पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर कहीं से क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैटर्न, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग बोर्ड में क्या है, हम बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग है अब यहाँ पे बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपको पैटर्न भी बताएंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बताएंगे व्हाट टू डू आफ्टर दी सिलेबस, मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और एग्जाम अभी उसमें बाकी रहे, तो जब आपका सिलेबस खत्म होता है और जब आपका एग्जाम होता है तो उसके बीच का जो टाइम बचता है उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे ज्योग्राफी का तैयारी करना चाहिए उस टाइम में। बिलीव इन योर टीचर एंड योर सेल्फ, सबसे पहले तो आपको अपना खुद पे भरोसा रखना है कि ज्योग्राफी को हम कंप्लीट कर लेंगे, हर चीज आसान होती है। अगर आप ज्योग्राफी को टफ मान के चलोगे ऑब्वियसली आपके लिए टफ सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ना। अगर आप इसको आसान मान के चलोगे तो आप आसान ये आपके लिए ये आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने खुद पे भरोसा रखिए और उसके बाद जहां से भी आप पढ़ेंगे या फिर जहां से भी आप पढ़ रहे हैं आपको उन टीचर्स पे भी भरोसा रखना होगा, ताकि जो है आपको वो सही गाइड कर सके, अच्छे से सारा चीज बता सके। आइए अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर्स को देखना, सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर्स को देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए भूगोल जो है ज्योग्राफी इसको दो भाग में बांटा गया, एक जो है खंड एक है और दूसरा जो हमारे पास खंड दो है, ठीक है। तो ये दो खंड में पूरा जो है बुक को बांटा गया है। पहला खंड हमारे पास क्या है, इस बुक का नाम है, पहला बुक का नाम है क्या, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा भूगोल का नाम क्या है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये दो चैप्टर्स है हमारे पास, ठीक है, मतलब ये दो सब बुक है हमारे पास, ज्योग्राफी को दो बुक में बांटा गया है। तो पहला बुक है हमारे पास मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं थोड़ा सा उसको देखिए, यहाँ पे जो है मानव भूगोल, यहाँ पे पहला चैप्टर क्या है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तो और वृद्धि, ये चैप्टर है, इसमें आपको मानव भूगोल, इससे ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ विश्व जनसंख्या के बारे में इस चैप्टर में जानने को मिलेगा कि कहाँ पे कैसा जनसंख्या है, कितना घनत्व तो है, कहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि अच्छा हो रहा है, कहाँ पे जनसंख्या घट रहा है, तो ये सब चीज के बारे में जानने को मिलेगा। जनसंख्या संगठन के बारे में जानने को मिलेगा थर्ड चैप्टर में। देखिए ये जनसंख्या घनत्व वृद्धि ये सब में देखिए, जैसे हम बात करें जनसंख्या संगठन के बारे में, तो बहुत सारे जैसे अगर मान लेते हैं आपको इसमें क्या क्या चीज जानने को मिलेगा, लाटविया ऐसा जो है
प्रांत है जहां पे क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, और वहां पे कारण ये है कि पुरुष जो है प्रवास कर रही है, दूसरे जगह जा रही है रोजगार के लिए, कोई और काम के लिए, तो वो पुरुष जा रहे हैं, तो बस वहां पे पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाओं की संख्या है लाटविया में, और वहां पे जो जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं ज्योग्राफी में, अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपका सब्जेक्ट इससे प्यार हो जाएगा। आगे देखिए 4वां चैप्टर क्या है, मानव विकास। 5वां यहाँ पे चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में आप जानते होंगे कृषि आती है, आखेट आती है, पशुपालन आती है, गांव वगैरह में जो जो काम किया जाता है तो ये सारा चीज इसी में आती है, साथ ही साथ इसमें खनन वगैरह भी आती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 6वां चैप्टर है, ये 1 नंबर नहीं है, 6, ये 7, ये 8, ठीक है, ये 9वां चैप्टर है और ये 10वां चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6वां चैप्टर में क्या है, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं के अंदर क्या क्या आती है इसके बारे में जानने को मिलेगा। फिर यहाँ पे तृतीयक और चतुर्थ क्रिया है। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या क्या आती है, डॉक्टर, पेशा वगैरह सब, ये सब के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद परिवहन एवं संचार के बारे में जानने को मिलेगा कि कौन सा परिवहन, स्वेज नहर कहाँ है, वो नहर कहाँ, ये नहर कहाँ है, ये सब के बारे में ना आपको बहुत जानने को मिलेगा। सबसे लंबा राजमार्ग कहाँ है, या फिर कौन सा राजमार्ग किसको किससे किस शहर से जोड़ती है, इस सब के बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, कौन से मार्ग से होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में आपको 9वां चैप्टर में जानने को मिलेगा। और 10वां चैप्टर में, मतलब इस पहला बुक के लास्ट चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा मानव बस्तियां के बारे में। जैसे मानिए आप जो है मतलब कोई सड़क के पास में रह रहे होंगे, इस साइड ये आपका सड़क हो गया और इस साइड सबका घर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों साइड घर होता है ना, कहीं भी आप गांव में भी रहते होंगे, शहर में भी रहते होंगे, तो रोड के साइड में क्या होता है, रोड के साइड में लोग का घर होता है, ठीक है, लोग का घर होता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रेखा, मतलब सीधी रेखा की जो है यहाँ पे बस्तियां हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जैसे नदी होती है तो नदी जैसे जा रही है तो नदी के दोनों साइड घर होता है, बस्तियां होती है, तो ये सब क्या हुआ, वही चीज हुआ कि मतलब सीधी रेखा में यहाँ पे ये जो घर है। उसके बाद जैसे अगर मानव बस्तियां कैसे होती है, अगर पहाड़ है तो पहाड़ पे लोग कैसे करता है, यहाँ पे थोड़ा सा काट के यहाँ पे ऐसे घर बनाया, ऐसे घर बनाया, ऐसे आप देखे होंगे बहुत सारे मूवी में भी देखे होंगे ऐसे करके घर बनता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये सब आपको इस मानव बस्तियां वाले में देखना पड़ेगा। समतल भूमि पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि ये पहाड़ी एरिया में, तो ये सब चीज आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो कुल मिला के बुक 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, 10 चैप्टर है कुल मिला के, ये आपको जानने को मिला, ठीक है। उसके बाद आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए बुक 2 हमारे पास है, इसमें क्या है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। चैप्टर्स का नाम ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा कंटेंट में अलग होगी, और वो क्या होगी वो आप चैप्टर जब पढ़ोगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, यहाँ पे भारत के नजर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड बुक में। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, ये भारत में क्या है, प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है यहाँ पे मानव विकास। ये प्रवास के बारे में आप जानते होंगे कि मतलब लोग अगर एक जगह रह रहे हैं वहां से छोड़ के दूसरे शहर में चले गए रहने, और वो क्यों गए होंगे, उनको रोजगार वहां पे मिल रहा होगा, शिक्षा अच्छा मिल रहा होगा, डॉक्टर वगैरह का फैसिलिटी अच्छा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा कि वो उस जगह पे चले गए, और जहां से गए हैं जो जगह पे, मे भी हो सकता है वहां पे बिजली सही नहीं होगा, वहां पे पानी सही से नहीं आता होगा, तो ये सब कारण होगा जिस वजह से वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, इसे वो क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रवास। उसके बाद मानव विकास के बारे में बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक के बारे में इसी में आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ मानव बस्तियों के बारे में देखने को मिलेगा, भू संसाधन तथा कृषि, कृषि के बारे में भी बहुत सारी बातें आपको इस पूरे बुक में आपको जानने को मिलेगी, और जल संसाधन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगी इस बुक में। उसके बाद यहाँ पे 6 चैप्टर हुआ, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया कितने, 7वां चैप्टर, ये हमारे पास 7वां चैप्टर हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये 8वां चैप्टर हो गए, ये हमारे पास कितने नंबर चैप्टर, ये हमारे पास 8वां चैप्टर हो गए, और उसके बाद ये यहाँ पे हमारे 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर और हमारे पास यहाँ पे 12वां चैप्टर, कुल मिला के यहाँ पे कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है हमारे सेकेंड बुक में। 7वां चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के बहुत सारे जो संसाधन है, तो ये हो गया जो कि बहुत पहले से ऊर्जा का संसाधन है, और अभी नवीनीकरण हुआ है तो उसके बाद भी और सारे जो है संसाधन बनी है, तो इसके बारे में जानने को मिलेगा। निर्माण उद्योग के बारे में जानने को मिलेगा 8वां चैप्टर में। 9वां में यहाँ पे देखेंगे भारत के संदर्भ में नियोजन और
सतत पोषणीय विकास, 9 और 4 में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 10 और 4 में देखिए परिवहन तथा संचार के बारे में आपको जानने को मिलेगा भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से परिवहन और संचार के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको देखने को मिलेगा 11 और 12 में, और 12 में यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या चीज, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये चीज आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। मतलब इसमें प्रदूषण, कचरा वगैरह इस सब के बारे में जानने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के जो प्रदूषण होते हैं उस सब के। और खास करके इस चैप्टर से आपको ना मतलब और भी आपका सब्जेक्ट, जैसे अगर बोल सकते हैं हिंदी 100 मार्क्स या फिर इंग्लिश वगैरह में, तो उस सब में बहुत काम देने वाली है, क्योंकि आपको प्रदूषण पे लेख आ सकती है, जल प्रदूषण पे, मृदा प्रदूषण पे, वायु प्रदूषण पे लेख आ सकती है। वो सब आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस हुआ। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं हम किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आगे बुक के बारे में कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए सही रहेगा ज्योग्राफी का, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके आधार पे आपको पूरा साल उसी बुक से पढ़ना होगा। और जो है हम लोग आगे और भी सारी चीजों पे अभी चर्चा करते हैं, रणनीति पे चर्चा करेंगे कैसे आपको पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले भूगोल के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपके लिए यहाँ पे ये जो है एनसीईआरटी, इंग्लिश मीडियम में भी एनसीईआरटी है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी प्रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट आराम से मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अपना जो 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी का जो है बुक प्रॉपर वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी में थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होती है, उसके लिए आप सिंपल जो है एसवीपीटी का बुक, जो है एसवीपीटी का बुक आप प्रेफर कर सकते हैं क्लास 12 के लिए, हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, तो ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप पे जो है हम कुछ जो है ज्योग्राफी के लिए नोट्स वगैरह लाने वाले हैं, जो कि स्पेशली आपके घर तक डिलीवर होगा, तो वो कोर्स आएगी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत फीस होगी, बाई चांस अगर होती है तो, मतलब अभी उस पर प्लान चल रहा है, अगर होगी तो वो अपलोड मतलब एजुकेशन बाबा ऐप पे आ जाएगी अलग से सेक्शन, लेकिन उस पर अभी काम ही चल रहा है, तो कुछ टाइम लगेगी वो चीज़ में। और मे भी आप जब ये क्लास देख रहे होंगे, अगर बाद में बहुत बाद में देख रहे होंगे, तब तक शायद कहीं आ भी गई होगी, तो आप एक बार ऐप पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बुक बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है लैंग्वेज जो लिखा रहेगा ना, वो काफ़ी आसान होगा, और मेरे ख्याल से यही से पढ़ लेना आपके लिए सही होगा। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं, हम सफ़र बैच हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें क्या होगी, एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको प्ले स्टोर पे हमारा ऐप मिल जाएगा एजुकेशन बाबा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, या फिर अभी बहुत सारे बच्चे इस क्लास को एजुकेशन बाबा ऐप पे देख रहे होंगे, तो उन लोग को कोई एजुकेशन बाबा ऐप दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी देखिए जो बच्चे एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और वहाँ पे आराम से ज्योग्राफी का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इवन ज्योग्राफी नहीं बल्कि आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है, ठीक है, इतिहास, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अगर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश 100 मार्क्स हो गया, हिंदी 100 मार्क्स हो गया, ठीक है, तो ये सारा सब्जेक्ट अगर आपका होता है तो आप आराम से जाइए एजुकेशन बाबा ऐप पे, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, सब में अलग अलग टीचर्स हैं, तो आपको एक बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ से मिलने वाली है। यहाँ तक हमारे जो ऐप से पिछले साल बच्चे सब पढ़े हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर में से रह चुके हैं, और रिजल्ट तो आती ही रहती है, बच्चे तो वैसे वैसे मतलब जो अगर अच्छे आप स्टूडेंट हैं बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी अच्छा नहीं हो सकता है और भी कहीं से, बिल्कुल आप यहाँ से ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको एक बेस्ट कंटेंट हम लोग देने वाले हैं। हमारे यहाँ सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर्स भी बहुत सारे कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं, अगर आप एक टीचर हैं फिर भी आप कोर्स को ले सकते हैं, अपने बच्चों को और भी आसान भाषा में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स का लेवल मिलने वाली है वो हाईएस्ट लेवल आपको मिलने वाली है, कि अभी इंडिया में बोल सकते हैं आर्ट्स में हाईएस्ट हम लोग के पास स्टूडेंट है, आर्ट्स में हाईएस्ट, ये चीज हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट है आर्ट्स में हाईएस्ट स्टूडेंट हम लोग के प्लेटफॉर्म से अभी जुड़े हुए हैं, तो आप आराम से क्लास 12 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आराम से जाइए क्लास 12 की तैयारी एजुकेशन बाबा ऐप से कर सकते हैं। इस कोर्स में जो आपको मिलने वाली है वो क्या क्या चीज, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी हर एक सब्जेक्ट में, जहां से अपना डाउट भी पूछ सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, पहले पूरा चैप्टर को अच्छे से बुक से प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको उसमें जितने भी होंगे जो लाइव क्लासेस होती है, मान लीजिए आप किसी दिन लाइव क्लास में अब्सेंट कर जाते हैं तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाएगी, उसको आप बाद में देख लीजिएगा।
इवन लाइव क्लास में डाउट पूछ ही सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में भी डाउट आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक ऑप्शन दिए हुए हैं इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का, उसके माध्यम से। उसके बाद पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर में, जब भी एक चैप्टर पढ़ाई होगा उसका नोट्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट में सेपरेट टीचर्स आपको मिलेंगे, शिक्षक मिलेंगे, जिससे आपको बिहार के साथ साथ और भी स्टेट बोल सकते हैं, पूरा भारत का आपको सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे पढ़ाई आपका संभव हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आपको मिलने वाली है टेस्ट सीरीज, मतलब जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसका टेस्ट होगा, और इसके माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी आसान हो जाएगी। अभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे प्रॉपर इस पे फोकस किया जाता है। उसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का फीचर है, मतलब मान लीजिए आपको कभी भी डाउट होता है 4 बजे रात में या फिर 4 बजे दिन में, आप आराम से इससे पूछेंगे, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट का यहाँ पे सुविधा रखा गया है, जिसके माध्यम से क्या हुआ, प्रैक्टिस आपका और अच्छा हो जाएगा कि आप डेली जो आप पढ़ेंगे उसका टेस्ट दे देंगे, कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये एक फीचर हम लोग दिए हुए हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब हर एक चैप्टर जो पढ़ाई होगा उसके बाद उसका क्वेश्चन और आंसर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ये चीज करवाया जाएगा, ठीक है, ये मिलेगी। उसके साथ साथ इतना ही पे नहीं, बल्कि जब हमारा कोर्स जो कंप्लीट होगी, उसके बाद जो हमारा कोर्स लगभग 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो आराम से आप ज्वाइन करिए। और उसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट होगी तो इसके बाद रिवीजन चलेगा। इसके बाद क्या चलेगा, रिवीजन, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र को देखेंगे जो बोर्ड पूछी है, देखेंगे कि बोर्ड जो है किस आधार पर प्रश्न को देती है। उसके साथ साथ हम लोग गेस्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि जो मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑलमोस्ट कह सकते हैं पिछले बार भी हम लोग का 70-90% क्वेश्चन हर बार आती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। बस आपको यहाँ से जितना दिया जाए वो बस आपको कंप्लीट करते चलना है। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, समझिए आप यहाँ पे टॉप भी कर सकते हैं यहाँ से, ऑब्वियसली। और आगे यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, ठीक है, इस कोर्स में जो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसका सॉल्यूशन मिलेगा लाइव में, और साथ ही साथ हम भी आपको कुछ मॉडल पेपर के प्रैक्टिस के लिए देंगे, बिल्कुल प्रश्न पत्र की तरह होंगे, तो उसका भी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। उसके बाद कोर्स रिवीजन, जब हमारा कोर्स 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी तो वो कोर्स आपके लिए रहेगी, उसको आप दोबारा कभी भी रिवीजन पर्पस से देख सकते हैं। और रिवीजन के लिए अलग से क्लासेस आपको 1 नवंबर से मिलना इसी कोर्स में स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, सिलेबस दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है सारा चीज आपको कहाँ मिलेगी, सारा चीज आपको मिलेगी बस एजुकेशन बाबा ऐप पे, ठीक है। एजुकेशन बाबा ऐप जो है, जाइए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो बच्चे एजुकेशन बाबा ऐप पे ऑलरेडी इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल आप आगे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप ऑलरेडी ज्वाइन है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको सारा चीज कवर अप करवाया जाएगा, यूट्यूब पे अलग क्लासेस होगी, यूट्यूब पे पूरा प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पाएगी, ऑब्वियसली नहीं मिल पाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज हर एक चीज नोट्स वगैरह के साथ में मिलेगी। हाँ, यूट्यूब पे भी जो लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस आएगी, तो उसके लिए बस सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। और बाकी जो है कोई भी डाउट है कोर्स अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे एक बार पूछ लीजिए, सारा चीज डिटेल्स एटलीस्ट पता कर लीजिए कि क्या कैसे फीस है, कैसा क्या है, कैसे पढ़ाई होगा, हर एक चीज आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो आप जाइए अच्छे से आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जाइए डाउनलोड करिए, और जो लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली बहुत बहुत स्वागत है आपको इस कोर्स में, ठीक है। तो आज के इस क्लास को बस हम लोग यहीं खत्म करते हैं। हम लोग देख लिए यहाँ पे कि आपका सिलेबस जो है, आपका सिलेबस ये क्या है, आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, बुक भी आपको बता दिया, तो ये पूरा सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन सा चैप्टर्स है ये चीज हम बात कर लिए। पैटर्न की जहां तक बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आधा और आधा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा हम ज्योग्राफी के बारे में बात किए। चलिए आज के इस क्लास को बस यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आप अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।